नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक बार फिर इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने मौद्रिक नीति के बारे में देखा था और मौद्रिक नीति के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है जिसका नाम है यहाँ पर राजकोषीय नीति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी और बजट की बात करेंगे हम लोग। आप देखिए किस प्रकार से राजकोषीय नीति और राजकोषीय घाटे की बात यहाँ पर की गई है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं। चार नंबर में पूछा हुआ है, देखिए राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, ठीक है, और राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या क्या होता है देखेंगे आप। राजकोषीय नीति के अंतर्गत या फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत एक तो होता है बजट, एक होता है कर और एक होता है घाटा। ठीक है, बजट, टैक्स एंड डेफिसिट, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, राजकोषीय नीति मतलब डेबिट। डेबिट डेबिट मतलब डी से डेफिसिट की बात कर रहा हूं मैं, बी से बजट की बात कर रहा हूं यहां पर, और टी से टैक्स की बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे, डी फॉर डेफिसिट, बी फॉर बजट एंड टी फॉर टैक्स। तो डेबिट आप याद रख सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी मतलब डेबिट। ये तीन चीजें बेटा इसके अंदर आती है राजकोषीय नीति के अंदर। तो एक तो इसका जो घटक है वो बजट हो गया, दूसरा हो गया टैक्स और तीसरा हो गया घाटा। तो यहीं से अपन राजकोषीय नीति के तीन उद्देश्य निकाल सकते हैं। सबसे पहले राजकोषीय नीति का सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि देश के लिए एक अच्छा बजट तैयार करना। ठीक है, अब यदि मैं देश के स्तर पर बात कर रहा हूँ तो देश की राजकोषीय नीति कहलाएगी, यदि मैं राज्य के स्तर पर बात कर रहा हूँ तो राज्य की राजकोषीय नीति कहलाएगी। तो अच्छा बजट तैयार करना, और अच्छा बजट क्या होगा, जो कल्याणकारी होगा। ठीक है, जो वेलफेयर बजट होगा वो अच्छा बजट होगा। ठीक, टैक्स, तो यदि आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो जनता से जो टैक्स वसूला जाता है वो इसलिए नहीं वसूला जाता है कि सरकार को कोई कमाई करनी है, सरकार वो टैक्स इसलिए वसूलती है ताकि उनके जनता के ऊपर ही बढ़िया तरीके से खर्च कर सके। तो करों का वैज्ञानिक प्रबंधन, कहने का मतलब यह है कि करों का वैज्ञानिक प्रबंधन, कहने का मतलब यह है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, कहने का मतलब है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही टैक्स लिया जाए। और हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसको हम लोग प्रगतिशील कर प्रणाली भी बोलते हैं, जिसमें जैसे जैसे एक तरफ आय होती है और एक तरफ कर होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर भी बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम या प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक है, तो कर प्रणाली हमारी वैज्ञानिक प्रबंधनों कर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा उद्देश्य ये हो गया। और तीसरा है कि ज्यादा से ज्यादा घाटे को क्या करना है, कम करना है। तो तीन उद्देश्य तो ये हो गए आपके। ठीक है, तो एक तो कल्याणकारी बजट बनाना, दूसरा कर का वैज्ञानिक प्रबंधन अर्थात प्रगतिशील कर प्रणाली की ओर जाना। वैज्ञानिक प्रबंधन क्यों कहा गया है, क्योंकि कर प्रणाली को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कर प्रणाली में एक जो हमारे यहाँ भारत में अपनाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कर प्रणाली, जिसमें जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स भी बढ़ता जाता है, और घाटे को कम से कम करना। तो देखिए यहाँ डीबीटी से या डेबिट से आप किस प्रकार से राजकोषीय नीति के क्या निकाल सकते हैं, उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी नीति होती है तो उसके कुछ उपकरण होते हैं। ठीक है, कोई भी नीति होती है तो उसके कुछ उपकरण होते हैं, और सीधी सी बात है कि यदि राजकोषीय नीति है तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य, ये तो तीन उद्देश्य होगा, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना, है ना। तो अर्थव्यवस्था यदि संतुलित रहेगी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कंट्रोल्ड रहेगी, तो फिर राजकोषीय नीति उस दिशा में काम करना चाहती है। राजकोषीय नीति भी ये चाहती है और मौद्रिक नीति भी ये चाहती है, ताकि अर्थव्यवस्था का संतुलन रहे, मतलब ना मंदी हो ना महंगाई हो, न मंदी हो ना महंगाई हो। ठीक है, अब तो देखते हैं कि भाई राजकोषीय नीति के क्या क्या घटक हैं। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या होगा, कल जैसे हमने देखा था कि मौद्रिक नीति के अंदर यदि हम लोग देखते हैं, तो मौद्रिक नीति के अंदर आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, है ना, गुणात्मक उपाय होते हैं और मात्रात्मक उपाय होते हैं, साथ ही साथ कुछ नवीन उपाय भी हमने देखे, जैसे हेलीकॉप्टर होवर मनी, हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। तो आप देखेंगे कि राजकोषीय नीति में हमने तीन घटकों की बात की, तीन घटकों की बात की, डीबीटी, यहीं से आपको उद्देश्य भी मिलेंगे, यहीं से आपको राजकोषीय नीति के घटक भी मिलेंगे। ये एक बजट को,
है ना। तो बजट को कंट्रोल किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है, कर को कंट्रोल किया जा सकता है और घाटे को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसके तीन घटक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि बाजार में महंगाई बढ़ी हुई है, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। यदि बाजार में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है चीजों की महंगाई भी बढ़ेगी, चीजों का दाम भी बढ़ेगा। अब लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, इससे महंगाई बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाएगा, कर को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही टैक्स को बढ़ाया जाएगा तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब पेइंग कैपेसिटी कम होगी तो उनकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो ये कर को। अदरवाइज यदि फॉर एग्जाम्पल कोविड जैसी स्थिति हो, तो कोविड जैसी स्थिति के बाद मंदी का दौर आ गया, रिसेशन का दौर आ गया, तो यहाँ पर करों को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है, कर घटेगा तो फिर लोगों के हाथ में पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो मंदी या रिसेशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था को संतुलित करने की बात है, तो वो मंदी और महंगाई, कहने का मतलब रिसेशन एंड इन्फ्लेशन की बात हो रही है, कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए, मंदी को कंट्रोल किया जाए और अर्थव्यवस्था को उससे बाहर निकाला जाए। ठीक है, घाटा कैसे कम होगा, हम लोग घाटे की संरचना देखेंगे। ठीक है, बजट की यदि मैं बात करूं, तो यदि मान लीजिए बजट में महंगाई, मतलब महंगाई बढ़ी हुई है, मुद्रास्फीति का मामला है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो बजट में क्या किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग जो है वो कम की जाएगी, मतलब जो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसमें जो स्पेंडिंग की जा रही है वो कम की जाएगी, ताकि लोगों के हाथ में पेइंग कैपेसिटी कम रहे। यदि मंदी है बाजार में तो वहाँ पर पेइंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, कहने का मतलब सामाजिक योजनाओं के माध्यम से ज़्यादा योजनाएं लाई जाएंगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर बहुत सारी योजनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, कि महालक्ष्मी योजना और 1 लाख रुपये सालाना मिलेगा, मतलब बहुत बड़ी बात है, 1 लाख रुपये सरकार खर्च कर रही है एक परिवार पर, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, तो बजट के अंदर अपन लोग देखा कि बजट के अंदर क्या क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं और वहीं से हम लोग घाटे की संरचना निकाल करके लाएंगे। कोई भी बजट बनता है, घर का बने चाहे देश का बने, दो चीजें तो पक्की हैं, एक आय और दूसरा व्यय, यानी एक तो तरफ इनकम है और दूसरी तरफ है आपका एक्सपेंडिचर। देखेंगे दो प्रकार की इनकम होती है बेटा, एक होती है रेवेन्यू इनकम जिसको हम राजस्व आय कहते हैं, दूसरी होती है कैपिटल इनकम जिसको हम पूंजीगत आय कहते हैं। सेम टू सेम यहां भी चलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा, रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा का मामला है, और पूंजीगत मतलब एक साथ, तो हमेशा मैं कहता हूं कि रेवेन्यू मतलब डे टू डे और कैपिटल मतलब वन टाइम। राजस्व आय के अंतर्गत जो भी सरकार को डे टू डे आय प्राप्त होती है, इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टैक्स आ जाएगा, है ना, कर राजस्व, और एक को बोलते हैं गैर कर राजस्व। तो एक होता है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू के अंदर यदि हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2016 में, जिसने 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी को लागू कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कहने का मतलब जब भी आप बाजार में कोई वस्तु या सेवा खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु या सेवा के निर्माता को, यानी फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक पार्ले जी का पैकेट खरीद रहे हैं, तो वो जो टैक्स लगा हुआ था पार्ले जी कंपनी पर बनाने वाले पर, वो धीरे 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 ट्रांसफर होकर कहाँ आता है, कंज्यूमर के पास आता है। तो इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं, कि डेस्टिनेशन पर, कहने का मतलब ये है कि जहां पर कंज्यूमर ले रहा है तो उसके ऊपर टैक्स गिरेगा, लगा कंपनी पर था, वसूला ग्राहक से जा रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और आप ही की इनकम है और आप ही का टैक्स है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। थी तो टैक्स के अंदर एक तो इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, दूसरा डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इनकम टैक्स, है ना, आयकर, आपकी आय, आपका कर, आपकी इनकम, आपका टैक्स। ठीक, फिर एक होता है निगम कर जिसको हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स, है ना, फिर एक होता है ब्याज कर जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट टैक्स। तो जिस पर लगाया गया उसी से वसूला जाएगा, ये डायरेक्ट टैक्स है, जिस पर लगाया जाएगा उस पर वसूला नहीं जाएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब देखिए ये रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम की बात होगी, जो रेवेन्यू इनकम है ये किसी भी प्रकार की लायबिलिटी या देयता क्रिएट नहीं करती है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार की लायबिलिटी या देयता क्रिएट नहीं करती है, जबकि कैपिटल इनकम लायबिलिटी या देयता क्रिएट करती है, क्योंकि एक बार पैसा मिलेगा, कहने का मतलब मान लीजिए
आपको ऋण से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, आपको ऋण से प्राप्त हो रहा है पैसा, यानी आप लोन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा और कर्जा लिया तो चुकाना पड़ेगा, तो कर्जा लिया तो चुकाना पड़ेगा, तो ऋण आपके ऊपर देयता प्रदान कर रहा है, ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। यही आप देखें तो यदि आपने किसी को ऋण दिया हुआ है, आपने किसी को ऋण दिया हुआ है तो उसकी वापसी भी होगी, ठीक है, ब्याज तो मिल ही रहा था, ब्याज तो मिल ही रहा था, अब मूलधन वापस होगा आपको, प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगा, तो ऋण वापसी भी इसमें आएगा बेटा, ऋण वापसी भी कैपिटल इनकम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और एक हो सकता है आपका विनिवेश, इसको समझने का प्रयास करिएगा, जिसको अपन लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश को हम लोग क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदी 10 लाख रुपए की और 5 साल बाद वो जमीन हो गई 15 या 20 लाख रुपए की, और आपने जरूरत पड़ी तो उस जमीन को बेच दिया, तो आपने जो निवेश किया था उसको क्या कर दिया, विनिवेश कर दिया। कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास जो संपत्ति है यदि वो उसको प्राइवेटाइज कर दे, यानी प्राइवेट एंटिटी को दे दे, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एयर इंडिया। एयर इंडिया को सरकार ने रतन टाटा जी को बेच दिया, और रतन टाटा जी का नाम आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है और हमेशा देश हित में वो काम करते हैं। एयर इंडिया लॉस में था और टाटा ग्रुप ने उसको खरीद लिया, कहने का मतलब गवर्नमेंट को लॉस से बचा लिया, तो गवर्नमेंट ने अपना फायदा देखा, गवर्नमेंट ने क्या, विनिवेश, यानी डिस इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे आपने जमीन खरीदी थी उसको वापस बेच देना, यानी विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, इससे भी पैसा मिलता है, ठीक है। तो ऋण हो गया, ऋण वापसी हो गई, विनिवेश हो गया, है ना, लोन, और लोन यदि आपको वापस मिलता है, बैक मिलता है तो भी वो आएगा, और डिसइन्वेस्टमेंट, इन चीजों को याद रखिएगा। ये लायबिलिटी क्रिएट करता है, यानी ये देयता क्रिएट करता है, कर्जा लिया तो चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब भी रेवेन्यू की बात होगी, जब भी रेवेन्यू की बात होगी तो रेवेन्यू मतलब डे टू डे, ठीक है, और जब भी कैपिटल की बात होगी तो कैपिटल मतलब एक साथ, तो जहां पर भी ऋण की बात होगी ना, ऋण, वहां पर आप देखेंगे कैपिटल आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप ऋण, है ना, आपको वापस हो रहा है तो आपका कैपिटल इनकम के अंतर्गत आएगा। यदि आप ऋण दे रहे हैं किसी को, है ना, ऋण यदि आप प्रदान कर रहे हैं, ऋण प्रदान कर रहे हैं, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय, मतलब एक साथ आपको जो पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। पूंजीगत व्यय में और क्या आएगा आपका, पूंजीगत व्यय में आप देख सकते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स पे खर्चा होता है, है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स पे खर्चा करती है, कॉलेजेस पे खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना पर खर्च करती है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, पूंजीगत व्यय। जबकि आप राजस्व व्यय में देखेंगे तो राजस्व व्यय, फॉर एग्जांपल कर्जा लिया है तो चुकाना पड़ेगा, तो ऋण लिया है तो ब्याज भुगतान, ध्यान से सुनेंगे, तो देखिए कितना लॉजिकल मामला है। यदि आप ऋण लेते हैं तो वो कैपिटल इनकम के अंतर्गत आएगा, लेकिन उस पर ब्याज भुगतान करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा, तो ब्याज भुगतान हो गया। इसके बाद सब्सिडी, सरकार जो सब्सिडी देती है वो भी किसके अंतर्गत आता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है रक्षा व्यय, है ना, रक्षा व्यय का मतलब है डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो जो भी हम डिफेंस पर खर्चा करते हैं, अपनी आर्मी पर खर्चा करते हैं, जो देश की सुरक्षा करती है वो कहलाता है रक्षा व्यय। और याद रखेंगे राजस्व के साथ हमेशा एक चीज आती है अनुदान, तो यदि सरकार अनुदान प्रदान कर रही है किसी को, अनुदान मतलब ग्रांट, ठीक है, यदि ग्रांट प्रदान कर रही है बेटा तो वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा, लेकिन यदि ऋण प्रदान कर रही है तो वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। वहीं आप देखेंगे कि यदि वो ऋण प्राप्त कर रही है तो वो पूंजीगत आय के अंतर्गत आएगा, कैपिटल इनकम, लेकिन यहीं वो अनुदान प्राप्त कर रही है या ग्रांट प्राप्त कर रही है तो फिर ये राजस्व आय के अंतर्गत आएगा। तो अनुदान मतलब राजस्व और ऋण मतलब पूंजीगत, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए ये जो रेवेन्यू इनकम है ये है आपके लिए 75,000, ठीक है, कैपिटल इनकम है मान लेते हैं हम लोग 1,00,000, और इस 1,00,000 में ये जो 50,000 रुपए है ये आपका ऋण लिया हुआ है आपने, है ना, किसी से लोन लिया हुआ, ठीक, तो 1,00,000 ये 75,000 हो गया, ये हो गया आपका 1,00,000, और यहां पर जो 1,00,000 में 50,000 है वो आपने क्या लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया टोटल, आप देखेंगे तो ये 75,000 आपका रेवेन्यू इनकम हो गया और 1,00,000 आपका कैपिटल इनकम हो गया, टोटल कितना हो गया 1,75,000, ठीक है, 1,75,000, ठीक। अब यहीं पर अपन देखेंगे एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोग देखते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है 50,000,
हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और इसमें से लगभग 25,000 रुपए ब्याज भुगतान में जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, ठीक है। और वहीं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा लगभग ये मान के चलिए कि 1.5 लाख, ठीक है 1.5 लाख। तो टोटल कितना हुआ, देखिए टोटल कितना हुआ, टोटल इनकम कितनी है आपकी 1,75,000, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1.5 लाख प्लस 50,000 यानी 2 लाख। कहने का मतलब आय से जब व्यय ज्यादा होता है तो इसे घाटा कहते हैं, ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपने सुना होगा, कमा कम रहे हैं खर्च ज्यादा हो रहा है, जैसी आज की स्थिति हमको दिखाई देती है देश की भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी, कि आदमी का जीवन ईएमआई पर चल रहा है, ईएमआई ट्रैप में वो फंसता जा रहा है। 1,75,000 रुपए इनकम है, टोटल 2 लाख रुपए खर्चा है, यानी 25,000 रुपए का बजट घाटा, पूरे बजट का घाटा बेटा, इसलिए याद रखना जो हम लोग 25,000 बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, बजट घाटा, बजट डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ये हो जाएगा आपका बजट घाटा, कितना हो गया 25K यानी 25,000 रुपए, ठीक है। नंबर दो पर यदि आप देखें तो अब बात ये होगी भाई कि ये तो हो गया बजट घाटा, एक सिंपल अपन देखते हैं राजस्व घाटा। तो रेवेन्यू इनकम कितनी है आपकी, टोटल आप देखेंगे, सर रेवेन्यू इनकम है हमारी कितनी, रेवेन्यू इनकम कितनी ली थी हमने 75,000, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 50,000। तो मान लीजिए यहाँ तो आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, तो घाटा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए इनकम कम रहती और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता तो आपको क्या दिखाई देता, वहां पर घाटा दिखाई देता। कहने का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, ठीक है, राजस्व है माइनस राजस्व है, सिंपल सी बात है। तो बजट घाटा और राजस्व घाटा आपको समझ में आया। अब जो चीज है इंपॉर्टेंट राजकोषीय नीति के अंदर, राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या कहता है, ये भैया जो 50,000 तुम अपनी इनकम दिखा रहे हो ये गलत है, क्योंकि तुमने ऋण लिया हुआ है, मतलब तुम कर्जे को अपनी इनकम दिखा रहे हो जिसके लिए तुमको ब्याज पटाना पड़ेगा, उस कर्जे को जो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करेगा तो तुम उसको अपनी इनकम दिखा रहे हो। आप खुद सोचिए कि आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है और आप बताते हैं अपनी सैलरी 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 50,000 आपने किसी से उधार लिए, तो ये सही नहीं है राजकोषीय नीति के तहत। इसलिए राजकोषीय नीति में ये जो ऋण आपने लिया हुआ है कैपिटल इनकम के तहत उसको छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पर सिंपली बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,75,000 जो हो रहा था उसमें आप 50,000 को छोड़ दीजिए तो 50,000 और 75,000 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। तो 1,25,000 की आपकी इनकम हो गई और आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कितना है आपका टोटल 2 लाख, तो यहां पर आपका घाटा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये कितना दिखाई देगा आपको, टोटल एक्सपेंडिचर तो आपने किया माइनस टोटल इनकम में से किसको छोड़ दिया, एक्सेप्ट लोन टेकन अंडर कैपिटल इनकम। तो जो आपने कैपिटल इनकम के अंदर लोन लिया था उसको छोड़ दिया आपने, तब जाकर के आप देखेंगे यहाँ पर ये तो 2 लाख था आपका टोटल, ठीक है, ये 2 लाख था और यहाँ पर कितना हो गया 1,75,000 में से और माइनस कर दीजिए तो 1,25,000, ये हो जाएगा कितना 75K यानी 75,000। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम करते हैं और टोटल इनकम में से किसको छोड़ देते हैं, जो कैपिटल इनकम के तहत आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, सर ये तो बजट घाटा जो है उसमें बस आप सीधा लोन प्लस कर दीजिए 50,000 तो भी आ जाएगा, बिल्कुल बेटा सही बात है। तो दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बनता है, बजट डेफिसिट प्लस लोन टेकन अंडर कैपिटल इनकम, ठीक। तो आराम से आप इन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। बजट घाटा एकदम सिंपल है, राजस्व घाटा उससे भी सिंपल है, फिस्कल डेफिसिट उससे भी सिंपल है। फिस्कल डेफिसिट में बस क्या करना है कि जो आपने कर्जा लिया है क्योंकि उसको आपको चुकाना पड़ेगा तो आप उसको अपनी इनकम नहीं बता सकते, उसको छोड़ करके सिंपल मामला चलेगा, ठीक है। तो बजट घाटे में सीधा प्लस कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि अब प्रीलिम्स वाला तो मामला है नहीं, मेंस वाला मामला है, इसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछता है घाटे की संरचना, जैसे क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है हमने देखा पिछले स्लाइड्स में, तो वहां पर आप इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। अंतिम में एक आती है बात प्राथमिक घाटे की, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो हमने कर की बात कर ली बेटा, ठीक है। हमने इसके बाद में देखा कि बजट की बात हम लोग कर रहे हैं और बजट के अंदर ही राजकोषीय नीति कैसे काम करती है, तो DBT 3 चीज आप जरूर याद रखेंगे। प्राइमरी डेफिसिट इसमें लास्ट है हमारा। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि भैया ठीक है, आपने 50,000 को अपनी इनकम नहीं दिखाया, तो ये बताओ यहां पर जो आप 50,000 रुपए
में से 25,000 रुपए आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, उसको अपनी एक्सपेंडिचर भी क्या क्यों दिखा रहे हो? सीधी सी बात है कि भैया मैंने लोन लिया ही नहीं तो मैं ईएमआई क्यों चुकाऊं? जब लोन को मैं अपनी इनकम ही नहीं दिखा रहा हूं तो जो मैं ईएमआई चुका रहा हूं, जो मैं ब्याज भुगतान कर रहा हूं, मैं उसको अपना एक्सपेंडिचर भी क्यों दिखाऊं? ये प्राइमरी डेफिसिट कहता है। इसलिए प्राइमरी डेफिसिट आप देखेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट में इसमें तो टोटल ठीक है, आपने रेवेन्यू इनकम कितना ले लिया, 75,000 रुपए ले लिया, ये 1,00,000 में से इसको छोड़ दीजिए, चलिए 50,000 टोटल हो गया, 1,25,000 ठीक है, 1,25,000। मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइमरी डेफिसिट की बात कर रहा हूं, याद रखेंगे ना, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटे की बात कर रहा हूं। प्राथमिक घाटे में इधर लिए हुए लोन को इनकम में नहीं लेना है, और यदि लिए हुए लोन को इनकम में नहीं लेना है तो पटाए हुए ब्याज को एक्सपेंडिचर में भी नहीं लेना है। कहने का मतलब ये 50,000 नहीं होगा एक्सपेंडिचर मेरा, मात्र कितना होगा 25,000, क्योंकि इसमें से 25,000 मेरा क्या था, ब्याज भुगतान, 25,000 ये हो गया मेरा। और 25,000 करने के बाद में यहां पर मैंने कितना कर दिया, 1,00,000, तो 1,25,000 देखिए 1,25,000 यहां भी आ रहा है, तो यदि मैं देखूं तो मेरा कोई भी घाटा ही नहीं है, 1,25,000 मेरी, 1,25,000 मेरी कमाई है और 1,25,000 रुपए मेरा एक्सपेंडिचर है। कहने का मतलब यह है कि राजस्व जो प्राथमिक घाटा होता है वो राजकोषीय घाटे से भी सही पिक्चर दिखाता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर यदि आप फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये क्या बोलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट, एक्सपेंडिचर में किसको नहीं लेना है, ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट माइनस टोटल इनकम एक्सेप्ट, यहां पर किसको नहीं लेंगे आप, लोन टेकन अंडर कैपिटल इनकम, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम है, इसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ देना और इसमें आपको लोन को छोड़ देना है। ये घाटे की संरचना को आप समझिए और लगातार सरकार प्रयास करती है कि राजकोषीय घाटे को क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाए। राजकोषीय घाटे का कम होना मतलब ये है कि सरकार कम से कम, राजकोषीय घाटा यदि ज्यादा होगा मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा लोन ले रही है, राजकोषीय घाटा कम है मतलब सरकार कम से कम लोन ले रही है। अभी हमको ये जरूर देखना है कि आज की अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा हम घाटे में हैं। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो गरीबी बेरोजगारी की बात भी हम करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो 8:30 बजे आप हमसे मिलेंगे तो उसमें हम गरीबी बेरोजगारी की बात करेंगे और वहां पर देखेंगे कि सरकार कितना सफल हुई है राजकोषीय घाटे को कम करने में, सरकार कितना सफल हुई है गरीबी बेरोजगारी मिटाने में। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you.